अविनाश सर, इस समय आप अपने क्लाइंट्स को या अपनी जो आपकी कंपनी है वो कहाँ पर एडवाइस कर रही है कि लंबी अवधि के लिए कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पर कि आप लंबी बेट लगा रहे हैं? मैंने तो पहले ही आपको मेरे दो शेयर बताए हैं, लेकिन फिर भी जी अगर उसको एडिशनल चाहिए तो मैं समझता हूँ आपने टाटा मोटर्स का जिक्र किया था। टाटा मोटर्स मुझे लगता है कि अगर लंबी अवधि के लिए आपको खरीदना है तो देखिए यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है। जो ओके कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है, जेएलआर का बिजनेस है, वो अलग होने वाला है। प्लस जेएलआर का जो बिजनेस है वो बहुत समय के बाद अभी कैश फ्लो पॉजिटिव हो चुका है, तो कहीं ना कहीं देखिए स्टॉक अभी कंसोलिडेट हो रहा है। मेरे ख्याल से अगर कंपनी का रेवेन्यू देखे तो करीबन 70-75% जेएलआर के धंधे से आता है, तो अगले साल तक मैं समझता हूँ कि 1200-1250 का भी एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये स्टॉक हमने हमारे सारे क्लाइंट्स को बताया, मेरे ख्याल से ये काफी स्टेबल काउंटर है ऐसे बाजार में। क्योंकि मैं वापस दोहराना चाहूंगा कि देखिए बाजार में अभी अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है और आपको बहुत सिलेक्टिव तरीके से निवेश करना है, क्योंकि सारे स्टॉक्स बहुत जल्दी छोटे समय में भाग चुके हैं। तो टाटा मोटर्स आई थिंक विल बी अ गुड बेट। 970-75 का रेट है, यहाँ पे एक्यूमुलेट करिए, साल भर में करीबन 1200 का आपको एक फेयर वैल्यू मिलने की पॉसिबिलिटी। बिल्कुल, तो टाटा मोटर्स यहाँ से भी चल सकता है। सर का मानना है कि जो वैल्यू अनलॉकिंग होनी है, जो उनका जेएलआर का बिजनेस अलग होना है, उससे जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी ये 1200 से 1250 तक जा सकता है। 976 रुपये पर ये इस समय काउंटर चल रहा है, और यहाँ से अगर आप लेते हैं तो करीब करीब आपको 20 से 25% तो मिनिमम टारगेट्स अगले एक साल में देखने के लिए मिल सकते हैं। सर, कोई ऐसी बेट भी बताना चाहते हैं जो बैंकिंग स्पेस से, या कोई और ऐसी बेट जो कि मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से हो? देखिए सरकारी बैंक्स में हमको कैनरा बैंक पसंद है। देखिए ये स्टॉक ओके चला नहीं, अगर नंबर्स की बात करें तो मुझे लगता है कि कैनरा बैंक में हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी कैनफिन होम्स भी है। सबसे बड़ी बात इनका डिजिटाइजेशन का जो प्रोसेस है बहुत तेजी से आगे चल रहा है। करीबन 15,000 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल था। कैनफिन होम्स की बात करें तो कैनफिन होम्स साउथ में काफी बड़ा प्लेयर है, और हाउसिंग को लेके और बैंकिंग सेक्टर को लेके मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जरूर कोशिश करेगी कि इंफ्रा का स्पेंड्स प्लस हाउसिंग फाइनेंस को लेके ऑलरेडी 3 करोड़ जो घरे गवर्नमेंट बनाने वाली है पीएम आवास योजना के स्कीम के अंडर। तो ये सारे बातें जो है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी का जो बैंक का बुक वैल्यू है वो करीबन 102-103 रुपया है। स्टॉक करीबन 117-18 पे चल रहा है, तो करीबन 160-170 का एक फेयर वैल्यू कंफर्टेबली कैनरा बैंक पे बन सकता है। देखिए अभी बाजार में आपको ऐसे स्टॉक्स देखने हैं जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छी तरह से बैठता है, और तभी आप इस बाजार में आप पैसा बना पाओगे। अदरवाइज कोई भी प्रीमियम वैल्यूएशन पे कोई भी स्टॉक आप खरीदोगे तो पैसा इतना आसानी से बनेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर कैनरा बैंक और टाटा मोटर्स दो दिग्गज शेयर सर ने बताए हैं जो कि आप लंबी अवधि के लिए ले सकते हैं। ब्रिजेश जी ट्रेडिंग कॉल्स बताकर गए थे, एक बार उन पर फिर नज़र डाल लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी कॉल दी थी। यहाँ पर बीकाजी फूड्स, जो कि ब्रिजेश सर ने बताया कि 726 रुपये का चल रहा है, 768 रुपये के टारगेट के लिए आप ले सकते हैं, 718 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। जाइडस लाइफ, जहां पर कि 1100 रुपये चल रहा है ये काउंटर, 1190 रुपये के टारगेट्स के लिए 1065 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ रख सकते हैं। साथ ही जो तीसरा काउंटर उन्होंने बताया था, एमई ऑर्गेनिक्स, यहाँ पर 1390 रुपये पर चल रहा है, 1480 रुपये के टारगेट्स के लिए 1330 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर को रख सकते हैं। अविनाश सर की कॉल, जहां पर कि टाटा मोटर्स 976 रुपये चल रहा है, 1200 से 1250 रुपये के टारगेट्स के लिए इस काउंटर को रख सकते हैं। साथ ही सर ने बताया कैनरा बैंक, जहां पर कि 117 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा है, यहां से 160-170 रुपये के टारगेट्स के लिए ले सकते हैं इस काउंटर को। तो यहां से एक अच्छा खासा अपसाइड कैनरा बैंक में सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, करीब 40 से 50% का अपसाइड कैनरा बैंक में आपको लंबी अवधि में मिल सकता है। अविनाश सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए सर। तो बीच बाजार में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।